14 जनवरी को झाबुआ के एक निजी गार्डन में विश्व हिंदू परिषद की धर्मसभा का बैठक का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन के मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री सोहनजी विश्वकर्मा, विभाग संगठन मंत्री वासुदेव पांड्या, धर्म प्रसार प्रमुख महेश एवं धर्म प्रसार के विभाग प्रमुख प्रेम सिंह अजनार, जिलाध्यक्ष अंतिम शर्मा, जिला मंत्री आशीष सोनी के साथ कई वनांचल ग्रामीण भगत समाज के महानुभाव उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि श्री विश्वकर्मा ने अपने उद्बोधन में समाज और धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं धर्मांतरण रोकने के मुद्दे पर कहा। देखिए, आज ये विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा आज यहाँ संपन्न हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य है आज? धर्म सभा शब्द ही आपको सबको ध्यान में आता है जी, कि धर्म कार्य को आगे बढ़ाना। धर्म का मतलब संस्कृति, समाज, सभ्यता। तो झाबुआ क्षेत्र में जनजाति समाज की संस्कृति सभ्यता है, उसको ईसाई समाज सेवा के नाम पर धर्मांतरित करा रहा है, उसको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। कि जो जनजाति समाज हैं वो अपनी संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए आगे आए, जागरण करें, धर्मांतरण मुक्त झाबुआ हो और देश, समाज, राष्ट्र कार्य के साथ जनजाति समाज कैसे खड़ा रह सकता है। जनजाति समाज को जो आरक्षण व्यवस्था है उसमें धर्मांतरित होने के बाद जो लोग भी जनजाति समाज के आरक्षण का लाभ लेते हैं वो रुकना चाहिए, ये सबसे अपेक्षा है। इसलिए सब समाज को यह जागरण हो कि हमारे अधिकारों का उपयोग कोई और कैसे करता है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके ऊपर ये धर्म सभा के जागरण। मुख्य मुद्दा आपका धर्मांतरण को लेकर, धर्मांतरण को रोकना, ये धर्मांतरण को रोकना है। हमारे जो बंधु हैं उनको संस्कार और शिक्षा स्वास्थ्य समझ आगे बढ़ाना, जागरण करना, ये मुख्य उद्देश्य जी। आपका क्या नाम और पद है? मैं सोहन विश्वकर्मा, विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री। धन्यवाद।